कौन से अंकल? कई अंकल कह रहे वजू करते ऐसी आवाज निकालते बात हो गई. अब ये डालते बीच में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, क्या हाल चाल आप लोगों का. सबसे पहले खबर आप लोगों को ये दें कि न्यूजीलैंड ने नमीबिया को 52 रन से हरा दिया है और एक दफा इस वजह से न्यूजीलैंड का रन रेट काफी बेहतर होगा तो इंडिया के लिए ये टफ होगा. तो मुबारक हो आप सबको, आप दोनों को भी मुबारक हो. और मेरे ये दोनों दोस्त जो हैं बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि दोबारा टकरा ना पड़े इंडिया के साथ, दो साल तक इन्होंने एंजॉय करना है. वो तो अपने पिछली वीडियो में कहा ना. और मैं डिसएग्री करता हूं कि एक मतलब फिर दिल धड़का देने वाला मैच होना चाहिए, टकराव होना चाहिए. यार टकराव होना चाहिए, जीत जाएंगे तो चलो सोने पे सुहागा, हार गए तो फिर इंडिया जितनी मैनिपुलेशन करता है, इंडिया जैसे अपनी इजारादारी जमा रहा है. मजा यही है कि वो सेमीफाइनल में भी ना पहुंचे, मुंह की खानी पड़े. लेकिन यार उसको आईसीसी भी ऊपर लाना चाह रहा होगा क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि उसकी वजह से काफी हिट पड़ती है आईसीसी के फंडिंग को. अच्छा चले जी, जैसे अगर बात हमारी यार हो ही क्रिकेट की रही है, जैसे हमने क्रिकेट से स्टार्ट किया तो आज हम बात भी करेंगे क्रिकेट पे ही. तो बहुत सी मुख्तलिफ आरा आ रही हैं. अब मैंने ओपिनियन कहना था लेकिन भाई को चूंकि इंग्लिश नहीं पसंद तो इसलिए मैंने आरा का लफ्ज इस्तेमाल किया है. मुझे इंग्लिश पसंद है लेकिन इंग्लिश आपको वहां पे बोलनी चाहिए जहां आपके आगे सुनने वाला. यहां पे मैं ओपिनियन कह सकता था, ये उर्दू का खिलाफ जैसे बहुत सी ओपिनियंस आ रही हैं. बात करनी है हम लोगों ने आज जनाब अफगानिस्तान और इंडिया के मैच में. अफगानिस्तान और इंडिया का मैच. मैं आप लोगों का चंद सवाल पूछूंगा, अपना इनपुट भी दूंगा, आपका इनपुट चाहिए होगा, ठीक है, सीधी सी बात है. और अनसेंसर्ड इंटरव्यू, अनसेंसर्ड इनपुट चाहिए होगा, ठीक है, खुला डुल्ला इनपुट चाहिए होगा. और फिर देखते हैं कि इसमें हर तरह का ओपिनियन है. कुछ लोग कह रहे हैं फिक्स था, कुछ कह रहे हैं फिक्स नहीं था, कुछ कह रहे हैं ये था, कुछ कह रहे हैं वो था. जैसे मोहसिन ने अभी इनपुट दिया कि वो आईसीसी भी कई कुछ कह रहे हैं कि जी आईसीसी खुद चाहती है. एक और इनपुट मोहसिन जैसे आ रहा है कि जी वो चूँकि वो अफगानिस्तान टीम सेल्फ फाइनेंस पे आई हुई है उसका कोई इशू था. कुछ कह रहे हैं आईपीएल के आईपीएल का इशू था. तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है बारे में? तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मोहसिन साहब जो कि हमारे क्रिकेट में बड़ा नॉलेज रखते हैं, स्टार्ट मोहसिन साहब से किया जाए. चलो मोहसिन से करते हैं. लेकिन अच्छा चलो एक तो ना इसमें है सीधा सीधा दया करने से, फिक्स था नहीं था, ठीक है. अगर था जिसको लगता है क्यों लगता है, नहीं था क्यों लगता है, साथ रीजन देनी है. और अगर नेट रन रेट बता दो जी, प्लस 1.28 हो गया, 1.28 नेट रन रेट हो गया न्यूजीलैंड का. अफगानिस्तान का नेट रन रेट है 1.48 और इंडिया का है 0.07. आप यानी अब एक चीज तो कंफर्म है कि अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है तो न्यूजीलैंड नहीं पहुंच सकती क्योंकि उनका पहले ही उनसे बुरा है. तो वो अजीत ऊपर होगा. तो न्यूजीलैंड को अपना आखिरी मैच हर हाल में जीतना जरूरी है. लेकिन इंडिया को भी बहुत इंडिया जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, अगर जो है वो अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड ने हरा दिया तो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड थ्रू है, ठीक है. लेकिन अफगानिस्तान अगर जीतता है तो फिर इंडिया को फिर इंडिया और अफगानिस्तान का नेट रन देखा और इंडिया को कैच करना पड़ेगा. तकरीबन 1.5 का नेट रन रेट उन्हें अपना बढ़ाना पड़ेगा जो कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप के लिए मेरा नहीं ख्याल मुश्किल नहीं है. मुश्किल नहीं है 1.5 का नेट रन रेट उनका पिछले मैच तक जो सब कुछ हुआ था तो वो 65 रन पे उन्होंने 1.5 कवर किया. अगर दो मैच 20-20 ओवर और खेल लेंगे तो 80-90 रन पे 1.5 का नेट रन रेट कवर हो जाएगा. बहरहाल जी मैच पे नाजरीन मोहसिन आपका क्या? दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितने दोनों डेस्परेट हैं कि किसी तरह इंडिया जो है ना पहुंचेगा. बिल्कुल इस देखो मैंने कहा अनसेंसर्ड ओपिनियन, मैं हूं डेस्परेट. देखें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इंडियन आवाम के साथ, इंडियन भाइयों के साथ, इंडियन साथियों के साथ, इंडियन नहीं मैं वो वहां की पब्लिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है. हम मेरा आपसे कोई मसला नहीं है, मेरा मसला है बीसीसीआई से, आईसीसी से, आपके इंडियन मीडिया से. मेरा मसला उनके साथ आप लोग, मैं समझता हूँ आप लोग, आपकी लैंग्वेज में कहता हूँ आप लोग निराश होंगे. लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस दफा इंडिया सेमीफाइनल में ना पहुंचे. ये चाहते हैं और ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा कि एक दफा इंडिया बाहर हो, इंडिया वालों को थोड़ा सा आई ओपनर हो उनके लिए. हाँ उनके लिए आई ओपनर हो ताकि वो हर दफा. अच्छा मौसम, अफगानिस्तान और इंडिया का मैच, क्या इनपुट है आपका? यार मैं वैसे वो क्या कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव तो नहीं करता हूँ और एज ए प्रोफेशनल मैंने भी क्रिकेट खेली हुई है और मैं कभी भी मुझे
अगर कोई ऑफर कराता तो मैं तो कभी भी ना करता, जिस जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरी गेम है, मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन लोग करते हैं ना, माजी में ऐसी 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 मिसालें देखी है ना यार, वो इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं, एज ए टीम आप कभी भी एज सच बिक के नहीं करते हैं। आपके दो तीन प्लेयर्स बिके हुए हो वो आप, मैं आपको दे सकता हूँ। चलो मेरा इनपुट, लास्ट वर्ल्ड का 50 ओवर्स का इंग्लैंड और इंडिया का मैच, क्या वो मैच इंडिया जान के नहीं हारा था जिसके से पाकिस्तान आउट हो गया था? उसके अंदर भी सबूत मिलते, लेकिन वो एक टीम डिसीजन था ना कि हम पाकिस्तान को दोबारा फेस नहीं करना चाहते, वो उनका ये था और उनका अच्छा डिसीजन था। अगर वो पाकिस्तान को दोबारा फेस करते तो चैंपियंस ट्रॉफी वाला रिटर्न हो जाना था, हो जाना था, जैसे न्यूजीलैंड ने कर दिया, वो अपनी तरफ से न्यूजीलैंड को रखेंगे, न्यूजीलैंड ने ठोक दिया। क्या पता यहां पे अफगानिस्तान ने कुछ ऐसा सोचा हो। इसमें थोड़ा सा न्यूजीलैंड ऐसा कुछ 2009 के अंदर जब टी20 का वर्ल्ड कप था तो धोनी दुआएं मांग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो जीत जाए। तेरे सामने और वो मैच पाकिस्तान हार गया था तो इंडिया बाहर हो गया था। सही, तो इस तरह के जीतने की वापस आते हैं अफगानिस्तान इंडिया के मैच पे, अपना इनपुट दीजिए। देखिए सबसे पहले तो वो जो टॉस के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई वो तो बिल्कुल रबिश थी, फेक नहीं थी, है ओरिजिनली, लेकिन वो नबी की वॉइस थी, नबी उसको बता रहा था कि जी हम पहले बॉलिंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें कोहली का दारोमदार कोई नहीं है कि वो कोहली ने उसको कहा, और इतनी कच्ची गोलियां कोई नहीं खेलता कि सामने आके बोलेगा, उसको पहले ही बताया होना था अगर वो होता तो। कच्ची गोलियां कोई नहीं खेलता, लेकिन जब मैं मिसाल दे रहा हूँ सर, मिसाल के लिए जब कोई चोर चोरी करते हो कोई क्लू छोड़ जाता है या कोई कोई दो नंबर के क्लू छोड़ता है, उसने भी कौन सा कच्ची गोली छोड़ी खोली है क्लू तो नहीं। लेकिन बहरहाल मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूं कि वो नबी की आवाज है, वो खोली नहीं, आवाज है वो खोली नहीं। इसके अंदर सबसे जो बेहतरीन सबूत मिला ना वो मिला जो कि जो अफगानी फैन उसी पे सब 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 आपकी तरफ आएंगे, आपका आपको लेंगे ना पूरा। अब मोहसिन भाई ये फकरे आलम कहां से आ रहे हैं? अब मोहसिन आपने उर्दू में कहेंगे, ये तो देखना वीडियो कितनी मजा बनेगी, उर्दू में कहेंगे बिला तातुल अपना जवाब देना, हम नहीं बीच में बोलेंगे, आप अपने रीजंस दें। तो पहला और आप सॉरी आपने नहीं आपने फिर ये एक लाइन खींचनी है कि था या नहीं था, यार ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो लाइक वो वीडियो गलत थी, ठीक है, वो मसलन ऐसा नहीं था। उसके बाद अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन नजर आई उस दिन, ठीक है, टॉस जीत के उनकी स्ट्रेंथ थी टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, वो उन्होंने इंडिया को दे दी, विकेट भी उस दिन बैटिंग वाली थी, उनको चाहिए था कि वो ऊपर बड़ा स्कोर करके प्रेशर करते, डिसीजंस कुछ इस तरह के हुए, बॉडी लैंग्वेज खास तौर पे नज़र आई। और जो सबसे बढ़ के वही जो अभी हैदर ने पहले बोल दिया, मैंने उसी पर बात करनी थी कि जो वो एक इंडियन अफगानिस्तानी शाइक की एक वीडियो आई है और वो अब क्लियर नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो वो सिख भाई एंड पे आके कहता है कि यार इधर सब कुछ हो रहा है, तो वो एक डबल सबूत हो जाता है कि एक तरफ अफगानी है और एक तरफ सिख भाई है हमारा जो कि इंडियन है, तो वो ये कह रहा है कि वाकई ही अफगानिस्तानी प्लेयर्स इस वक्त इंडियन ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक अपोजिशन की टीम के जो बंदे हैं वो एक दूसरे जिससे वो इतने बुरी तरीके से मैच हारे हैं उसके ड्रेसिंग रूम में जाके बैठे हुए हैं, तो वो किस लिए बैठे हैं? तो पलड़े में अगर डालें आप ज्यादा वजन किसको दे रहे हैं कि फिक्स था? फिक्स यार चलो फिक्स एक इतना स्ट्रांग वर्ड है, हाँ, किसी भी अपने फायदे के लिए जान के हारे हैं, हाँ, या नहीं? मैं उसमें ये कह सकता हूँ फिक्स के हवाले से, क्योंकि उस मैच से अफगानिस्तान को फर्क कोई नहीं था पड़ने वाला, अफगानिस्तान ने शायद वैसे भी हार जाना था, या अफगानिस्तान के लिए वो मैच डू और डाई नहीं था, उनके लिए डू और डाई है न्यूजीलैंड वाला, तो उन्होंने उसके ऊपर जोर लगाना है। इसमें इन्होंने सिर्फ जीत जाते और इजी हो जाते, वो एक अलग बात है, जीत नहीं सकते थे, उन्हें पता था शायद या जो भी है, एक खास मार्जिन से हारना, एक खास लेवल से खेलना, या अभी भी आप देख लें, मैंने जिस तरह आपको बताया कि 1.48 पे है, अगर वो सिर्फ अपना अगला मैच जीत जाते हैं तो वो हो जाएगा। और इसका ये अंदर पीछे आईसीसी का भी रोल हो सकता है कि अगर उस दिन अफगानिस्तान हार जाता तो इंडिया के अगले दो मैचेस बिल्कुल ही जीरो हो जाए थे। इसमें मैं थोड़ा सा आपका टाइम चाहूंगा, बिल्कुल अनइंटरप्टेड, जरा अनइंटरप्टेड एंड अनसेंसर्ड जी, ठीक हो गया। गालिब साहब कहते हैं कि कर्ज की लेके पीते थे मैं और समझते थे रंग लाएगी अपनी पाक मस्ती एक थी। वाह जी वाह, ये आपने बड़ी तेज पढ़ा है, जरा आहिस्ता पढ़े, इसका मतलब इसका मतलब भी समझाए हमें, जरा तसल्ली से पढ़ के लोगों को समझाए, गालिब हमें समझ नहीं आता। कर्ज की लेके पीते थे मैं और सोचते समझते थे रंग लाएगी अपनी फाका मस्ती एक दिन, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अफगानिस्तान जो है वो अपने पैसे जोड़ के गला तोड़ के, पैसे जोड़ के गला तोड़ के गुड स्पॉन्सर करके अपने आप सारे बंदे इकट्ठे करके वो आए हैं यहाँ पे, ठीक है, और बड़ी अच्छी पोजीशन में थे,
एक तरफ उनके रखे गए हैं जनाब आईपीएल के डॉलर्स, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर, कैरियर ब्राइट, खेले खुले, गवर्नमेंट चेंज हुई है, दे डोंट वांट टू लिव इन अफगानिस्तान, तो उनके पास तीन चार ऑप्शंस थी, उन्होंने उस ऑप्शंस को यूज करके तो आई थिंक ये इस मैच को उन्होंने कुर्बान कर दिया। आप एक बात बोल इतने वसूल से कह रहा है अफगानिस्तान, लेकिन अगर अफगानिस्तान में वो रहेंगे नहीं तो अफगानिस्तान में आज तक टीम में खेल भी नहीं सके, इतने वसूल से ऐसे कह रहा है जैसे कि सामने डील ही हुई, उनका मर्जी है भाई, उसका अपना अनसेंस है। नहीं पर वसूल इतने वसूल से कि उन्होंने डॉलर एक्सेप्ट कर लिए, नेशनैलिटी एक्सेप्ट कर ली, वो हमाद का सवाल तो फिर जायज है कि अगर वो इंडिया में रहे। आप वो तस्वीर देखें कि जिसके अंदर पाकिस्तान ने उनको हराया और मलिक साहब तसल्लियां दे रहे हैं कि भाई जान आपको नेक्स्ट टाइम नहीं इतना पेंटी लगाऊंगा, तो उधर वो रो रहा है अपनी टी शर्ट उठा उठा के आंखों को लगा रहा है, और जब इंडिया से हार रहे हैं तो एक दूसरे साथ हंस हंस के जो है वो। अच्छा एक और वो चीज़ मैंने वो पिक्चर आपने बताया जब वो नबी बाबर आजम से हाथ मिला रहा है तो उसने मुंह ऐसे पीछे किया हुआ है, वो मुझे थोड़ा सा देख के बुरा लगा। और नहीं नहीं वो आप हाथ मिला रहे हैं और साथ साथ अपना मुंह ऐसे चेंज कर रहे हैं, अभी आपने हाथ मिलाया नहीं है, तो आपका जो भी ओपोनेंट हो या जो भी आपके सामने टीम है आप आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करें। हाँ जी मैंने क्या ख्याल है देखें इसके तीन पहलू निकलते हैं, एक था जी फिक्स नहीं था वो हारे हैं, एक था जी फिक्स था, बकायदा फिक्स था, एक एक जो मैं थोड़ा सा अपना इनपुट दे दूं फिर मेरा सवाल आपकी तरफ होगा क्योंकि मोहसिन ने तो अपना जवाब दे दिया। एक पता क्या होता है, जैसे मोहसिन है, मैं मोहसिन को खुश करना चाहता हूं, मोहसिन अपने मुंह से नहीं मुझे कहता कि भाई मुझे तुमसे ये चीज चाहिए, मैं खुद से ऐसा कोई अमल करता हूं कि यार मैं मोहसिन की गुड बुक्स में आ जाऊं। तीसरा यह कि आया अफगानिस्तान ने ऐसी कोई हरकत की कि हम गुड बुक्स में आ जाए, तो तीनों में से आपका क्या ख्याल है, फिक्स नहीं था, प्रॉपर फिक्स था, या उन्होंने ऐसी कोई हरकत की है कि यार हम चलो गुड बुक्स में आ जाए हमारा फ्यूचर थोड़ा बेहतर हो जाए, आपका क्या ख्याल है? पंजाबी में क्या कुत्ती जोड़ा में वाली है, ठीक है, तो ये प्री प्लान था, ठीक है। अब अफगानिस्तान के बारे में पूरी दुनिया ये कह रही है कि इन्होंने किसी एक टीम को बड़ा बुरी तरह लाना है, किसी एक टीम को इन्होंने बड़ी टीम को बड़ी बुरी तरह लाना है, और मोस्ट प्रोबेबली वो यही था कि या तो वो न्यूजीलैंड है या इंडिया। अब इंडिया के मैच में अगर आप देख रहे हैं वो कैचेस छोड़ रहे हैं और खुद पकड़ के चौके की गेंद जो है वो बाउंड्री के बाहर जाके चौका। आपकी बातों से ये तो साबित हो रहा है कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के हक में नहीं है कि मैच जेन्युइन था। अब दो पीछे पॉइंट बचे, प्रॉपर फिक्स था या उनकी गुड बुक्स में आने के अफगानिस्तान ने ऐसा काम किया? गुड बुक्स के अंदर उन्होंने क्या, उन्होंने कौन सा यार आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट देखे ना, मैं मोहसिन की गुड बुक्स में आना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कोई ऐसे काम करूंगा कि मैं मोहसिन की नजर में आ जाऊँ, आइंदा से मोहसिन की मेरे पे नजर करम हो। इंडिया की खैर पहले भी नजरें करम है, इंडिया की पहले भी नजरें करम है उन पे सारे, उनके प्लेयर्स तो राशिद खान नबी ये तो सारे। शायद मैंने ये हरकत इसलिए ना की क्योंकि नजरें करम हट ना जाए अगर मैं ये हरकत कर दूंगा। ये तो अब देखें करने की बात है, जितनी भी कर ले हम कोई वसूख से कह नहीं सकते, लेकिन मेरा वही वाली बात है कि उस दिन थोड़ा सा अफगानिस्तान ऑफ कलर नजर आया, ऐसा लग नहीं था रहा कि वो मुकाबला करने आए। बिल्कुल वो मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि आई रिस्पेक्ट शुएब अख्तर, उसका मैंने वीडियो देखी, उसने बड़ी अच्छी बात की कि जनाब ऐसे ही ना कहते रहे उधर जो गवर्नमेंट आई है उनको कोई टांग ही ना दें, लेकिन वो शुएब अख्तर की अपनी ओपिनियन है, ही इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन जनाब जब मैच देखा है तो आपको शक्लों से पता लग गया भाई एक बंदा हार के इतना सुरदा नहीं है जितना वो कुछ हो रहे। अच्छा मैं आप क्या कहोगे? मैं इसमें पता क्या मेरा इसमें पता क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक आपको कोई प्रॉपर सबूत ना मिल जाए कि मैच फिक्स था, मैं तो ना कहता हूँ ना मेरे ख्याल से मैं कहना चाहिए शक की बुनियाद पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरा अपना आती ख्याल है कि मैच वो जेन्युइन हारे हैं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी नहीं। मेरा जो अपना पॉइंट हुआ ना वो मिडिल में है कि शायद अफगानिस्तान ने देखें जैसे आप लोगों ने बहुत से पॉइंट बता दिए, दोबारा रिपीट करने का फायदा नहीं, टॉस करके बैटिंग वाला डिसीजन जो था, उसके बाद जो है बॉलिंग का डिसीजन सॉरी, उसके बाद जो है क्या कहते हैं वो जैसे फील्डिंग हो रही थी, जैसे सबसे ज्यादा मैटर करता है बॉडी लैंग्वेज। आप साइड बाय साइड चला लें पाकिस्तान का मैच और इंडिया का मैच, उस मैच में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और इंडिया के मैच में जो बॉडी लैंग्वेज थी, या तो उन पे इंडिया का प्रेशर था कि हमने ज्यादा हल्ला गुल्ला किया या हमने ज्यादा चीख चिंगाड़ा किया तो अगेन इंडिया नाराज ना हो जाए और हमारा आईपीएल ना चला जाए। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, या पाकिस्तान के साथ तो उनकी ऐसी लागतबाजी स्टार्ट हो गई है कि जैसे पाकिस्तान इंडिया के मैच होना नहीं चाहिए ये ज्यादती है, और पाकिस्तान ने कभी उनकी तरफ रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिया, ये उन्हीं की तरफ से आता है। तो मुझे छोटे ममालिक इस तरह करते हैं, छोटे लोग इस तरह करते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में आप देख लें शायकीन के दरमियान वहां पे क्या हुआ, इस वक्त 2000 के अंदर एक काम होता है, ठीक है, उस वक्त जो बच्चे जो थे 5-6 साल के थे
वो इस वक्त जो है जनाब 30 के करीब करीब है, ठीक है, वहां से ब्रेन वॉशिंग हुई है, उनके दिल में यही बैठा हुआ है कि जनाब हम भी है ना सारी यार। बहरहाल ये तो अब हम पॉलिटिकल लेकिन पाकिस्तान ने क्रिकेट में भी सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने उन्हें वैसे भी बड़ा सपोर्ट किया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कॉल है विद ऑल माय रिस्पेक्ट, कि जिस बंदे पे एहसान करो, जिस पर एहसान करो, फिर उसके शर से बचो, ठीक है। तो ये तो अंडरस्टूड है जी, ठीक है, ये इससे तो कोई दो राय नहीं, मतलब वापस आते हैं। तो मेरा इनपुट ख्याल ये है कि चूंकि हमारे पास 100% कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं, तो मैं ये तो नहीं कहता कि फिक्स था, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी, चाहे वो डिसाइडेड गड़बड़ हो या अफगानिस्तान अपने तौर पर कुछ प्रेशर में था कि जी अंकल को नाराज नहीं करना, अंकल नाराज हो गए तो काम खराब हो जाना है। आप जो कह देना उसको मैं परवीन शाकर के एक शेर से कहना बता देता हूँ, ये इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो तू मेरा हारी तू मैं। तुमने शेर नहीं सही इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो पिया हार, जीतू नहीं तो तुझे पाऊं, हारू तो पिया तेरी। अब मैं सुनाऊं आपके इस बात को ना, प्रवीण छाकर ने जो है ना एक शेर में बयान किया है कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो पाऊं तुझे, जीतू तो तुझे पाऊं, हारू तो पिया तेरी, हारू तो पिया तेरी, नहीं तू रहने दे, इस तरह बात ही नहीं है, यही होती है। अच्छा बहरहाल अब मैं यही ना, तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि कुछ गड़बड़ जरूर थी, फील्डिंग का स्टैंडर्ड देख लें, बॉडी लैंग्वेज देख लें, बैटिंग का स्टैंडर्ड देख लें, टॉस का डिसीजन देख लें, नबी ना बॉलिंग कराने का डिसीजन देख लें, हर मैच में नबी ने 4 ओवर कराए, उस दिन 1 ओवर में सिर्फ 7 स्कोर खाए, तो बाकी ओवर ही नहीं कराया। अच्छा आप बताएं फाइनल में इधर से सेमीफाइनल में कौन सी टीम जा रही है? फाइनल न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, मेरा भी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। तो मेरा ख्याल है कि गड़बड़ थी, मेरे ख्याल में फिक्स ना भी कहें, लास्ट एपिसोड में बताए थे कि मैंने आपने अफगानिस्तान कहा, अफगानिस्तान मैंने अफगानिस्तान कहा था, और उधर से आपने साउथ अफ्रीका कहा था, साउथ अफ्रीका तो चांस कम लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया का चांस, साउथ अफ्रीका को भी मैच रह गया अभी इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ आखिरी मैच रहता है, और जीतना लास्ट में जीत जाए तो फिर पहुंचने के चांसेस हैं, फिर रन रेट पे बात जाएगी, और इंग्लैंड अनस्टॉपेबल जा रही, मतलब अभी अनबीटन जा रही है, पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों अनबीटन जा रहे हैं, दैट वुड बी अ नाइस मैच। कल शाम बोल दिया मैंने, अपने अल्फाज में वापस लेता हूं, अच्छा मैच होगा, अच्छा मैच, न्यूजीलैंड को हराने की भरपूर तैयारी हो रही है, ऐसे ही, ऐसे ही है। तो इन वजह से मैं कहता हूँ ना कि नहीं होना चाहिए, खतरा ये है, बाहर होना चाहिए, न्यूजीलैंड की उस दिन लाइक डे मैच है, तो फिर अगर न्यूजीलैंड की सेकेंड बारी आ गई तो मुश्किल खड़ी हो सकती है न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड को उस दिन टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, मेरा तो यही मशवरा होगा। हम पता उस दिन क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि मैच जब स्टार्ट होगा ना उस वक्त तक हम होंगे, जब स्टार्ट होगा न्यूजीलैंड की साइड पे होंगे, सारी बात है, चूंकि न्यूजीलैंड जीतेगा तो पक्का आगे होगा, जब एक इनिंग खत्म हो जाएगी ना फिर हम देखना शुरू करेंगे, और जब न्यूजीलैंड की इनिंग्स जो भी टीम बाद में खेल रही होगी उस पे हम फिर डिसाइड करेंगे, या तो हम कहेंगे याला न्यूजीलैंड जीत जाए, या कहेंगे याला न्यूजीलैंड बहुत बुरी तरह हार जाए कि अफगानिस्तान का नेट रन रेट ऊपर चला जाए, और ऐसी सिचुएशन में करनी चाहिए याला, जो हमारे यहां में बिल्कुल ये सब चाहोगे, ये वो पाकिस्तान बाहर टीम है जो मैच खेलने नहीं गई, बदले लेने गई, बिल्कुल हर एक बंदे ने यार, फाइनल में हमने इंग्लैंड से बदला लेना भाई, उन्होंने भी टूर कैंसिल किया ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से क्यों बदला ढूंढो, तुम बोल दो लोग इसको गैर मायूब ना समझे, बता दो वसीम अकरम के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, जनाब वसीम हमारी जो भाभी है शनीरा भाभी, हमारी जो भाभी है जो शनीरा जिनके नाम पे सही शनवारी होटल लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा हमें अपने मुल्क में बुला के ना फेंटा ही लगाया, तो उनसे इस चीज का बदला, तो झूले लगा के फेंटा लगा रहे थे उनको, और वो बदले हम ब्रायन लारा के थ्रू लेते थे, हम सपोर्ट करते थे ठीक। अच्छा वेस्ट इंडीज के बारे में जी, कल जो मैच बड़े बुरी तरह से आ रहे, बड़े फेवरेट थे वर्ल्ड कप से पहले जी, वर्ल्ड डिफेंडिंग और क्या कहते हैं अपना टाइटल डिफेंड, वेस्ट इंडीज दोनों वर्ल्ड कप लास्ट दोनों वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीता हुआ है, नहीं नहीं सॉरी 12 वेस्ट इंडीज इंग्लैंड और फिर वेस्ट इंडीज, नहीं नहीं वेस्ट इंडीज श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से पहले जीता था, इंग्लैंड 2010 में जीता था, हाँ वेस्ट इंडीज से 2010 में इंग्लैंड जीता था, 2012 में फिर वेस्ट इंडीज जीता था, 2014 में श्रीलंका, 2016 में फिर वेस्ट इंडीज जीता था,
और 2009 में पाकिस्तान गलती से जीत गया था। नहीं नहीं गलती से कैसे जीता था, अफरीदी ने सेमीफाइनल फाइनल दोनों में 50 मारी थी, उससे पहले पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हुआ था। पहुंच गए थे ना, गलती से कैसे जीत गया था, वही कह रहा हूं। गलती गलती कोई नहीं होती, जब जीत गए तो जीत गए। फिर तो हम 92 का वर्ल्ड कप भी गलती से जीते थे, पाकिस्तान पहला मैच, पहला मैच इंग्लैंड से बड़े बुरे तरीके से। फिर तो हम 92 का वर्ल्ड कप भी गलती से जीते थे, जिसे जीते थे, अभी तक भुगत रहे हैं। अब नून लीग वाले कहते हैं तू ना वर्ल्ड कप जीत के ले आई यार, ये इससे मेरा बड़ा सा डिसएग्रीमेंट, ये पर्सनल अटैक है। हम इस पे इसकी شدید مذمت کرتے ہیں, मोहसिन साहब ने गलत कमेंट पास किया। ऑर्डर ऑर्डर इसी बात के ऊपर पांच। अच्छा आज के मैच की बताएं, इंडिया और स्कॉटलैंड क्या होगा? इंडिया जीत जाएगा लंबे मार्जिन से या करीब मैच होगा? मेरा नहीं ख्याल, करीब भी नहीं होगा, लेकिन इंडिया चेस करेगा कुछ 14वें 15वें ओवर के बाद। तो फिर तो अच्छा खासा मार्जिन है। नहीं नहीं अच्छा खासा नहीं है, वो आज के मैच में इंडिया अपना जो नेट रन रेट है ना वो मैक्सिमम 0.56 तक लेके जा सकेगा, आधा, क्योंकि हाँ। उसको 0.07 है तो हम जीरो ही समझ ले, जीरो ही है ना, 0.07 हाँ, का मतलब जीरो ही है, तो आधा आधा ले जाएगा। हाँ आधा कर लेगा। अगर इंडिया आज अपना नेट रन रेट आधा करता है ना, तो इंडिया को अपना आखिरी मैच 80-90 रन से जीतना पड़ेगा। एक पूरा पॉइंट उनको चाहिए, एक पूरा पॉइंट चाहिए होगा, पांच मैचों के बस। इसमें थोड़ा सा मैं आखिरी मैच इसको मैं समझा दूं, नेट रन रेट का वो पता क्या निजाम होता है बेसिकली। अच्छा कुछ लोग हमारे साथियों को ये है कि नेट रन रेट में विकटें भी शामिल होती है, नेट रन रेट में विकटें नहीं शामिल होती, सिर्फ विकटों का ये किरदार होता है कि अगर फर्ज करें कोई टीम पूरे ओवर खेले बगैर सारी आउट हो गई है तो वो ओवर पूरे काउंट किए जाते हैं क्योंकि वो पूरी आउट हो गई है। तो नेट रन रेट का होता ये है जनाब कि आपने जितने ओवर खेले और उसमें जितना आपको स्कोर पड़ा, आपने जितना स्कोर बनाया और आपने जितने ओवर खेले डिवाइडेड, इसको आप डिवाइड करते हैं और फिर इसको कंपेयर करते हैं कि आपने जितने ओवर खिलाए सारी टीमों को और आपको जितना स्कोर पड़ा, ठीक है, इनको डिवाइड करके इनका प्लस माइनस वेरिएंस निकालते हैं तो वो आपका नेट रन रेट बन जाता है। तो इसमें एक बात सबको समझने की जरूरत है कि जब एक मैच होता है ना तो दूसरे मैच में नेट रन रेट उठाना या गिराना आसान हो जाता है, तीसरे मैच में और गिराना या उठाना आसान होता है क्योंकि आपके पास ओवर्स कम खेले। जब इंडिया ने अपना तीस या कोई भी टीम, इंडिया को छोड़े, जब कोई भी टीम अपना दूसरा मैच खेल रही होती है तो उसने दूसरे मैच के बाद सिर्फ 40 ओवर खेले होते हैं, और जब कोई टीम अपना पांचवा मैच खेल रही होती है उसने पांच मैचों के बाद 100 ओवर खेल लिए होते हैं। तो 40 मैचों के बाद उठाना और 100 ओवरों के बाद उठाना, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आसान, तुमने बहुत मुश्किल से समझाया, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड का पहला मैच हुआ था, ठीक है, अफगानिस्तान ने स्कोर बनाए 190, ठीक है, अफगानिस्तान का नेट रन रेट उस मैच का क्या बना, 9.5, यस 9 पे चला गया, 9 पे चला गया। उन्होंने एक ये भी बता दें कि 130 रनों से हराया, 130 रन से हराया, उन्होंने स्कोर किए 60, तो 20 को उस पर तकसीम करें तो क्या बना, 3 का नेट रन रेट आया। 20 ओवरों में अगर कोई टीम 60 स्कोर करती है तो 3 का रन रेट आया, तो हम 9.5 में से 3 माइनस करेंगे, पीछे उनका नेट रन रेट बच गया था 6.5 का, ठीक है। तो ये आसान तरीका है आप किसी भी तरीके, और 6.5 आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि 130 स्कोर था, 20 ओवरों को 20 छिका करें तो 20 छिका 120 और ऊपर वाले 0.5 10, तो 6.5 उनका नेट। ये बात तो सही है लेकिन ये सिर्फ एक मैच का है, वही कह रहा हूं, जब अगला मैच होगा उसमें सिंपल डिवाइड माइनस होगा, उसमें सारा इकट्ठा करना पड़ेगा, ऐसे ही है वो, दोनों वो फिर 40 पे दोस्त, ये दोस्त फ्रेंड्स, ये दोनों जाना इतना फलसफा समझा रहे हैं आप लोगों को, फलसफा नहीं इजी है, सिंपल इज दैट कि जितना भाभी को जुतियां खरीद के दी और उन्होंने जितनी आगे से लगाई तो उन दोनों का हिसाब करके आपका नेट रन रेट, ये तो अपने घर के हालात बता रहा है ना, ये हमेशा इस तरह की बातें करता है, ये घर के हालात है, कहानी घर घर की, कोई बताता है कोई नहीं बताता। मैं चलो ऐसे कर लो, हम दोनों के बारे में कोई नहीं कह सकता। तो बहरहाल अगली बात ये है कि अगर इंडिया आज मौसम की बात माजिद के बारे में आप कह सकते हो, और हमारा एक दोस्त है माजिद, उसके बारे में मौसम बात करे, आखिरी बात से पहले उड़े, अगर आज इंडिया अपना नेट रन रेट हाफ पे ले जाता है और आखिरी मैच में उसको एक नेट रन रेट उठाना पड़ता है तो 80-90 रन कम अज कम बनेंगे उसको शिकस्त देने के लिए, और ये क्यों, क्योंकि 20 डॉक्टर हमार तारिक साहब और आप बताएं, चार मैचों में 80 ओवर हो जाएंगे ना, जी जी ठीक है, अब आखिरी मैच के 20 ओवर शामिल करें तो 100 में मैचों का इकट्ठा निकलेगा, 100 ओवर का, सॉरी 100 ओवरों का इकट्ठा निकलेगा, तो 100 स्कोर से लाना पड़ेगा वो है, अगर एक उठाना पड़ेगा, ये एक उठाना, तो ले जी आज की हमारी ये पॉडकास्ट समाप्त होती है, एक हमने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, आप भी नीचे कमेंट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें कि आपका क्या ख्याल है कि इंडिया और अफगानिस्तान का मैच आया फिक्स था या फिक्स नहीं था, या जो तीसरा एक ऑप्शन है कि मतलब फिक्स वगैरह नहीं था लेकिन
अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान को ध्यान रखा कि इंडिया नाराज ना हो, अफगानिस्तान को उससे फर्क नहीं था पड़ता, तो उसने कहा चलो अपने दोस्त की मदद, नाराज ना हो जाए, हम गुड बुक्स में आ जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें, अपने नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन दें, और हमें भी अपने अपने ओपिनियन से बताएं कि क्या आपका ओपिनियन है, ताकि हम चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तीनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।